तो हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बड़ी डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूसली अपने घर पर भी समय दे रहे होंगे। प्रशासनिक आदेश की वजह से 23, 24, 25 जो क्लासेस ऑफलाइन मूड में बच्चों बंद कराई गई थी, तो उसको हम लोग ऑनलाइन कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल भी मैंने 10 से 12 और 7 से 9 वाले बैच के, यानी फ्रेशर और FCR बैच के लिए वर्क पावर एनर्जी का पहला लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड किया था। आज हम लोग उसी की सेकेंड क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जो ऑफलाइन मूड में पढ़ने वाली चीज़ें हम लोग उसको बचा के रख रहे हैं, और जो ऑनलाइन तरीके से बहुत आराम से कवर हो सकती हैं, सर्टेन नंबर ऑफ एग्जांपल, कुछ अच्छी बातें, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की, ये सब चीज़ें हम लोग ऑनलाइन कवर करते चलेंगे, राइट। सो मेंटली फटाफट से प्रिपेयर हो जाइए, बैठ जाइए वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 2 के साथ। आज मैं पहले तो कल के पुरानी बातों को रिकैप करा देता हूँ, फिर पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ नई बातें सीखेंगे, राइट। आ जाइए बच्चों फटाफट। फ्रिक्शन का भी लेक्चर बच्चों अलग से ड्रॉपर्स बैच के लिए आज ही अपडेट हुआ है, ओमेगा ऑनलाइन चैनल पर आप चाहें तो देख सकते हैं बच्चों, राइट। वो ड्रॉपर्स बैच के लिए, 3 से 5 वाले बैच के लिए। वर्क पावर एनर्जी 10 से 12 और 7 से 9 वाले बैचेस के लिए। काम पर आ जाएं। कल हम लोग पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी में, पावर ऐसा टॉपिक है जो सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है, वो एनर्जी कंजम्पशन रेट को बताता है। फिलहाल पहले हमें समझना है कि काम क्या है, एनर्जी क्या है। तो कल की डेट पर ही डिस्कस किया था कि वर्क और एनर्जी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, बट दोनों आपस में इतना कनेक्टेड हैं कि दोनों की यूनिट सेम होती है। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम है, जूल है, और दोनों एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी हैं। हम लोगों ने कल ये भी डिस्कस किया था बच्चों कि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और अगर काम करोगे तो एनर्जी में चेंजेस आएंगे। तो वर्क और एनर्जी आपस में बहुत हद तक कोरिलेटेड हैं। वर्क को कैलकुलेट करने के तमाम सारे फॉर्मेट, तमाम सारे छोटे बड़े फॉर्मूले हम लोगों ने क्लास में भी देखे थे, एक बार मैंने कल ऑनलाइन भी बताया था, एक बार फिर से देख लें। वर्क को कैलकुलेट करने के तमाम सारे रिजल्ट्स हैं। जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सरल शब्दों में, किसी प्लेटफॉर्म पर रखे यदि किसी ऑब्जेक्ट को एफ फोर्स लगाकर, एफर्ट लगाकर, उसकी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा खिसका दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा प्रयास ऑब्जेक्ट को खिसकाने में सफल रहा, हमने मनचाहा काम कर लिया, यानी हमारा वर्क, हमारा काम हो गया। सो वर्क तब कहा जाएगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर एफर्ट लगाएं और हमारे एफर्ट से जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है या समूचा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, राइट। तो वर्क डन कैलकुलेट करने का सिंपलेस्ट तरीका है कि आपने कितना फोर्स लगाया मल्टीप्लाई बाय उसी डायरेक्शन पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सो सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर कल बच्चों हम लोगों ने यह भी सीखा था कि इंक्लाइंड फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा उठाने की कोशिश करेगा बट उठा नहीं पाया, सो एफ कॉस थीटा ही इसे एक्चुअली चला रहा। जब एफ कॉस थीटा को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा। तो कल ही डेट पर हम लोगों ने वर्क डन का एक और फार्मूला निकाला था, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा, राइट। अब एफ डी कॉस थीटा को अगर वेक्टर फॉर्मेट में बांधोगे तो ये एफ और डी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। कैसे? जिस प्रकार ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिखा जा सकता है, वैसे एफ डी कॉस थीटा को एफ डॉट डी लिखा जा सकता है। तो वर्क के तीन रिजल्ट, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन बराबर फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब जब फोर्स और वर्क डन वेक्टर फॉर्म में दिए हो, मैं तो लिखता भी जा रहा हूं, जब वेक्टर फॉर्म में दिए हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। जब फोर्स कांस्टेंट दे दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट दिया जाए और दोनों के बीच एंगल थीटा दिया जाए तो भी आप चाहें, मतलब जब कांस्टेंट फोर्स की जानकारी दी गई हो, जब आपको ये हिंट कर दिया जाए कि बॉडी पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता हो और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल दिया हो, तो आप W बराबर FD cos थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें कभी वेरिएबल फोर्स दिया है, मतलब ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगने के साथ साथ टाइम या पोजीशन के साथ साथ घट बढ़ रहा है। कल मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि कुएं से पानी भरते वक्त अगर बकेट के नीचे बॉटम पर छोटा सा होल है और पानी लगातार रिस कर गिरता जाए, तो ऐसी परिस्थिति पे जब आप एफर्ट लगा के बकेट को खींचोगे तो बकेट से गिर रहे पानी की वजह से बकेट का वजन कम होता जाएगा। तो शुरुआत में बकेट भारी होगी, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, धीमे धीमे बकेट हल्की हो जाएगी तो बकेट को खींचने में कम वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये एक वेरिएबल प्रोसेस का वर्क डन है। तो वेरिएबल वर्क डन के केसेस में छोटे से टुकड़े का वर्क डन, मतलब DW कैलकुलेट करके उसे अगर इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वर्क डन मिल जाता है। DW कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, जैसे FDX हो सकता है, FDY। ये कैसे होता है? तो फोर्स अगर X एक्सिस पर वेरिएबल है
तो एफ डी एक्स लगाकर इंटीग्रेट करो। फोर्स अगर वाई एक्सेस पर वेरिएबल है तो एफ डी वाई लगाकर इंटीग्रेट करो। अगर एक्स वाई दोनों शामिल है तो एफ डी आर लगाकर इंटीग्रेट करो, जहां डी आर का मतलब डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। ये जब आएगा तब बता देंगे, अभी आप परेशान ना हो, राइट। तो फोर्स वर्कडन के चार फॉर्मेट एफ इन टू डी, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एफ डी एक्स। एक अंतिम फॉर्मेट और होता है कि अगर हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर का एरिया मिल जाए तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया एफ डी ग्राफ का अंडर ग्राफ एरिया भी हमें वर्कडन दे देता है। तो ये चार फॉर्मेट मैंने कल आपको समझाए थे बच्चों, इन्हीं पर आधारित एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं। जिन बच्चों को यहाँ इन बातों को समझने में थोड़ा बहुत हेर फेर लग रहा है वो कल का वीडियो एक बार अच्छे से देख लें, आराम से कंटिन्यू करें। सवाल की तरफ बढ़ता हूँ बेटा। सवाल में सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल समझिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक ब्लॉक है जिसका मास 100 kg। ये जेई का सवाल है 2024 का, 29 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में मेंस में पूछा गया था। तो अच्छा एग्जांपल है, लगा कि आपके लिए आसान भी है, डिस्कस करने लायक है। तो एक ब्लॉक है जिसका मास 100 किलो है, डेटा अंडरलाइन करते जाइए। ये किसी 10 मीटर की डिस्टेंस में सरकता है, इट्स स्लाइड ओवर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। और ये जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सरक रहा है उस हॉरिजॉन्टल सरफेस और ब्लॉक के बीच का जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.4। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। सवाल समझिए कैसे। एक सरफेस और सरफेस के ऊपर ये रखा है ब्लॉक, ब्लॉक का मास 100 kg, सरफेस के ऊपर ब्लॉक का मास 100 kg, और यहाँ ब्लॉक और सरफेस के बीच जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.4। 100 kg का ब्लॉक किसी रफ सरफेस पर जिसका कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, राइट। इस ब्लॉक को ब्लॉक 100 kg स्लाइड करता है 10 मीटर के डिस्टेंस, ये अपनी इनिशियल पोजीशन से यहाँ से सरकते इसे घसीट कर आगे ले जाया जाता है, और ये यहाँ से शिफ्ट होते होते यहाँ कहीं तक जाता है, और ये जो डिस्टेंस है इसे 10 मीटर चलनी पड़ी, 10 मीटर फॉरवर्ड चला। तुमसे कहता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए एक छोटी सी बात यहाँ समझने लायक है, हालांकि इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाऊंगा भी, कि किसी बॉडी पर जितने फोर्स लगते हैं हम उन सब का काम कैलकुलेट कर सकते हैं। सरल शब्दों में एक लाइन याद रखिएगा, किसी बॉडी पर जितने फोर्स उतने काम कैलकुलेट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस बॉडी पर कोई ड्राइविंग फोर्स है जो इसे आगे ले जा रहा, इस बॉडी पर इसके कॉन्टेक्ट सरफेस में नीचे रफ सरफेस पर रगड़ फ्रिक्शन लग रहा जो इसे चलने से रोक रहा, तो इस पर ड्राइविंग फोर्स का भी वर्कडन निकाला जा सकता है फ्रॉम फार्मूला W बराबर एफ डी कॉस थीटा। इस पर फ्रिक्शन फोर्स का वर्कडन भी निकाला जा सकता है, दो अलग अलग फोर्सेस हैं तो दोनों का अलग अलग काम आएगा। एक ही ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के दौरान इस पर कई लोग एक साथ काम कर रहे हैं, कोई चला रहा है वो भी काम कर रहा है, कोई चलने से रोक रहा है वो भी काम कर रहा है, राइट। तो पहले समझेंगे कि 100 kg का ब्लॉक अगर किसी ऐसी रफ सरफेस पर रखा हो जहां कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 हो, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि यहां कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, और अगर ये ब्लॉक फाइनली शिफ्ट होकर जा रहा है तो फ्रिक्शन अपनी पूरी जान लगाकर रोक रहा होगा। फ्रिक्शन की पूरी जान का मतलब बच्चों एफएस मैक्स। और वैसे भी मैं आपसे कहता हूं कि फ्रिक्शन फोर्सेस में जो फोर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट हो सकता है वो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, फार्मूला म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन। म्यूएस का मतलब कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय, बात आती है नॉर्मल रिएक्शन की। तो 100 केजी में 100 जी का जमीन पर होगा प्रेसिंग एक्शन, और जितने का प्रेसिंग एक्शन उतने की नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू प्रेसिंग एक्शन 100 जी के बराबर, 100 जी में 100 तो 100 है, जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन 1000 न्यूटन का। 100 kg का ब्लॉक 1000 न्यूटन से करेगा प्रेसिंग एक्शन, तो 1000 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन को कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दो ताकि एफएस मैक्स आ जाए। सो एफएस मैक्स बराबर म्यू इनटू एन, म्यू मतलब 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन 1000। जीरो से डेसिमल खत्म, 100 का 4 गुना 400, सो यहां फ्रिक्शन 400 न्यूटन का फ्रिक्शन काम करेगा, राइट। मतलब 100 kg के ब्लॉक को जब आप कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाकर ताकत लगाकर आगे घसीटेंगे तो इस 10 मीटर के खिंचाव के दौरान कौन खींच रहा है, कितना शक्तिशाली फोर्स है ये तो नहीं पता, बट जब ये ब्लॉक आगे शिफ्ट हो रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन जानकारी के अभाव में हम ये मानकर चलेंगे कि फ्रिक्शन पूरी जान लगाकर रोकेगा, एफएस मैक्स लगाकर रोकेगा, 400 न्यूटन के प्रयास से रोकेगा।
अब इस 10 मीटर की यात्रा में इस पर फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैं चला वर्क डन फाइंड आउट करने बाय फ्रिक्शन फोर्स, मैं चला वर्क डन फाइंड आउट करने बाय फ्रिक्शन फोर्स, बाय फ्रिक्शन फोर्स। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन का फार्मूला, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला। हम कहते हैं फ्रिक्शन के वर्क डन का फार्मूला नहीं, फार्मूला तो वर्क डन का होता है। कौन सा फार्मूला? ध्यान रखिए, अभी अभी पीछे डिस्कस किया था कि जब भी कभी किसी बॉडी पर कोई कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना हो, सो सिंपलेस्ट फार्मूला है W बराबर बच्चों एफ डी कॉस थीटा। याद कराइए, W बराबर एफ डी कॉस थीटा, जहां F कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन फोर्स है, D बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और थीटा दोनों के बीच बनने वाला एंगल। अब जरा दिमाग लगाइए, फोर्स के नाम पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा यानी एफ एस मैक्स आ जाएगा, यही बॉडी के फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के नाम पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10 मीटर, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा में डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन, बॉडी का शिफ्ट होना आगे की तरफ है और फ्रिक्शन लगातार पीछे की तरफ है, ये ज्यूम करना पड़ेगा। सच्चाई भी यही है कि बॉडी के मोशन की टेंडेंसी के जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन काम करता है, तो फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में थीटा 180, तो कॉस 180 आ जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। सो एफ एस मैक्स के नाम पर 400 उठाते रहिए, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर 10, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर 10 और कॉस 180 की वैल्यू -1, सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 400 का 10 गुना 4000 और माइनस पहले लगा दिया। सो फ्रिक्शन का वर्क डन -4000 जूल। अब इनमें कहीं भी माइनस साइन मेंशन नहीं है, तो हम केवल मैग्नीट्यूड बेसिस पर आंसर करेंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं आपसे एक चीज़ और कह सकता हूं बच्चों, कि अगर 100 kg की बॉडी जो रफ सरफेस पर रखी थी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 था, उसको अगर 4 मीटर आपने सरका दिया, तो बॉडी पर जितने फोर्स उतना वर्क डन, तो आगे फोर्स लग रहा है, इसका भी एक वर्क डन होगा। मुझे ये नहीं पता कि आगे वाला फोर्स कितना है, ना सवाल में दिया है, नहीं मैं इसका भी वर्क डन W बराबर FD cos थीटा से निकालता। हाँ, मुझे फ्रिक्शन फोर्स पता है, तो मैंने फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट और 180 की मदद से फ्रिक्शन का काम निकाला, जो -4000 जूल आया। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्क डन का साइन बोलता है, जैसे वर्क डन का नेगेटिव आना ये बता रहा है कि फ्रिक्शन द्वारा इस बॉडी पर मोशन के अपोजिट 4000 जूल का काम किया गया है, मतलब बॉडी को मोशन से रोकने की कोशिश की गई है, बॉडी के लेवल ऑफ एनर्जी को गिराया गया है। बॉडी अगर दौड़ रही थी तो 4000 जूल का जो फ्रिक्शन है उसकी, माने 4000 जूल का जो नेगेटिव वर्क डन है, वो बॉडी के एनर्जी लेवल को डाउन कर देगा। नेगेटिव वर्क डन सिस्टम की एनर्जी को घटाता है, पॉजिटिव वर्क डन सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाता है। सो -4000 या 4000 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक क्लियर बेटा, आगे चलें और समझिए। अब एक छोटा सा सवाल ये भी है, बहुत प्यारा सवाल है, ये भी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है। देखिए जरा समझिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, सीखने का बहुत अच्छा मौका है। आइए, सवाल नंबर सेकंड क्या कहता है, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से दिए गए करेक्ट स्टेटमेंट को समझिए। कह रहा वर्क डन बाई अ मैन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ द वेल मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। मतलब वर्क डन बाई अ मैन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल इज नेगेटिव, मैं तो खाली इतना ही कहूंगा। बाई मीन्स ऑफ रोप टाइड का मतलब हो गया कि कहानी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक कुआं, राइट, इट्स अ वेल, और इस वेल के अंदर एक बकेट है। एक सिचुएशन इमेजिन करिए बेटा, है ना, यहाँ से कहीं पुली वुली बंधी होती है, अगर आप गांव का सिचुएशन इमेजिन कर सकें, यहाँ पुली बंधी है और यहाँ अंदर एक बकेट है और इसे एक रस्सी के एफर्ट द्वारा किसी मैन द्वारा खींचा जा रहा, एक पर्सन है जो इसे खींचने में अभ्यस्त है, ऐसे मान लीजिए एक रफ फिगर बना दिया। सवाल इतना सा है, क्वेश्चन कहता है कि वर्क डन बाई अ मैन, मनुष्य द्वारा बकेट को ऊपर खींचने में किया गया काम नेगेटिव है, कैसे हो सकता है भाई? मैन का एफर्ट कहां है? ऊपर की तरफ। बकेट का डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा? ऊपर की तरफ। तो मैन का एफर्ट भी ऊपर, भाई मैन अपनी तरफ खींचेगा, रस्सी टाइट करेगा, तो मैन का एफर्ट रस्सी के टेंशन के माध्यम से ऊपर शिफ्ट होगा, तो रस्सी का टेंशन यानी मैन का एफर्ट ऊपर की तरफ और बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। इफ यू गो फ्रॉम फार्मूला, अगर आप फार्मूले पर फोकस करें तो फार्मूला है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कभी साइन डिसाइड नहीं करते, साइन डिसाइड करता है कॉस थीटा। देखने वाली बात यह है, मैन का एफर्ट ऊपर की तरफ, बकेट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल के बीच एंगल जीरो, एंगल जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो प्लस वन।
इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। और अगर cos थीटा का साइन पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाई मैन ऑन बकेट इज पॉजिटिव। एक बात मैं आपको और बता सकता हूं बच्चों, बकेट को खींचने में मैन का वर्क वैसे भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि पर्सन द्वारा बकेट पर किया गया काम बकेट के पोटेंशियल एनर्जी लेवल को बढ़ाता जा रहा। और जब भी कभी कोई सिस्टम इन्हेंसमेंट इन एनर्जी महसूस करे, जब भी कभी किसी सिस्टम को लगे कि वो उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा उस पर किया गया काम पॉजिटिव। अभी कल बोला था वर्क डन पॉजिटिव तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ सकती है। सो वर्क डन बाई मैन ऑन लिफ्टिंग अ बकेट इज एक्चुअली पॉजिटिव, बट इसने क्या बोला नेगेटिव, सो स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग द बकेट इज नेगेटिव। अब ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब बकेट का जो वजन है, यानी कि mg, जिसमें g फॉर ग्रेविटी भी शामिल है, तो mg का एफर्ट नीचे की तरफ और बकेट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल, थीटा 180 cos 180 माइनस 1, सो वर्क डन नेगेटिव। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाता हुआ। पर्सन का एफर्ट ऊपर की तरफ, बकेट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, दोनों डायरेक्शन वाइज पैरेलल, कॉस थीटा पॉजिटिव 1 यानी प्लस 1 पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, सो बकेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब अगर इसी में ग्रेविटी का खेल देखा जाए, तो ग्रेविटी का काम करने का तरीका डाउनवर्ड, बकेट का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, सेम फिनोमिना में ग्रेविटी भी काम कर रही है, बट ग्रेविटी अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, सो कॉस 180 इज माइनस 1, वर्क डन नेगेटिव, सही है। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स या वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। अगला केस कुछ ऐसा है, कहता है कि अगर किसी बॉडी को किसी इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे स्लाइड करने का मौका मिले, तो बॉडी की जब स्लिपिंग टेंडेंसी डाउनवर्ड होगी, तो बॉडी पर फ्रिक्शन तो स्लिपिंग टेंडेंसी के अपोजिट ही लगेगा, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड और फ्रिक्शन काम करेगा अपवर्ड, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल, थीटा 180 कॉस 180 माइनस 1, नेगेटिव आएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव आएगा बेटा, सो इट्स गलत। कोई बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पर सरक कर नीचे आए, यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे हो, फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट ऊपर हो, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस आने की वजह से वर्क डन नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव कहते हैं। अब डी स्टेटमेंट पर आइए, वर्क डन बाई एन अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो। क्या बोला है कि वर्क डन बाई एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो, मतलब कहना चाहता है कि अगर हम किसी बॉडी को किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एफर्ट लगाकर जैसे तैसे चलाते रहें, ऐसे सिंपल सी बात, मैं आपको अक्सर एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों कहता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पैडल मारता हुआ साइकिल चला रहा है, तो सच्चाई है कि पर्सन का साइकिल की पैडलिंग द्वारा आगे की तरफ किया गया एफर्ट, यानी आगे की तरफ पैडलिंग से लगने वाला फोर्स टायर और सड़क के बीच लग रहा है पीछे वाले फ्रिक्शन के जस्ट बराबर है। क्यों? चूंकि फ्रिक्शन अगर 10 न्यूटन पीछे की तरफ, तो पैडलिंग का एफर्ट 10 न्यूटन आगे की तरफ। अब चूंकि आगे वाला इज इक्वल टू पीछे वाला, सो पर्सन पर नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो का मतलब साइकिल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलती जाएगी। अब इस बात का मतलब ये नहीं कि पर्सन काम नहीं कर रहा, पर्सन अपना पॉजिटिव काम कर रहा है और फ्रिक्शन अपना नेगेटिव काम कर रहा है। पर्सन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का एफर्ट कर रहा है, फ्रिक्शन उतना ही घटाने का एफर्ट कर रहा है। पर्सन का फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, पर्सन का वर्क डन पॉजिटिव, फ्रिक्शन का फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंटी पैरेलल, फ्रिक्शन का वर्क डन इसी प्रोसेस में नेगेटिव। सो पैडलिंग करते वक्त पर्सन का एफर्ट, पर्सन का फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, पर्सन का वर्क पॉजिटिव, वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना चाहता है। पर्सन का डिस्प्लेसमेंट आगे और फ्रिक्शन का एफर्ट पीछे, तो फ्रिक्शन का वर्क डन इस प्रोसेस में नेगेटिव। अभी कहते क्या है कि वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स का मतलब आप मान लीजिए पर्सन जो साइकिल को आगे चलाने की कोशिश कर रहा है, ऑन द बॉडी बिकॉज ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो, नहीं भाई, आदमी काम कर रहा है, बॉडी के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने का मतलब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, कोई एक्सेलरेशन जैसी फैक्टर नहीं है। इस बात का मतलब ये नहीं कि बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा, बॉडी पर चलाने वाला अपना प्रयास कर रहा है, फ्रिक्शन अपना रोकने का प्रयास कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, सो दोनों का वर्क डन नॉन जीरो है, राइट? हाँ, नेट वर्क डन जीरो कहा जा सकता है, नेट वर्क डन जीरो कहा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि इस साइकिल या पैडलिंग करते वक्त पर्सन की साइकिलिंग में जो पिक्चर है उसमें नेट वर्क डन जीरो हो सकता है, क्योंकि जितना एफर्ट, जितना पॉजिटिव वर्क डन पर्सन का, उतना नेगेटिव वर्क डन फ्रिक्शन का, सो नेट वर्क डन जीरो कहा जा सकता है।
लास्ट वन इज वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा क्या कि अगर कोई पेंडुलम ऑसिलेट करे तो फ्रिक्शन या एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस को एक प्रकार का फ्रिक्शन मान सकते हैं, तो जब पेंडुलम फॉरवर्ड जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस बैकवर्ड काम करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, फोर्स बैकवर्ड, एंटी पैरेलल, कॉस 180 माइनस 1, सो वर्क डन नेगेटिव। ये बिल्कुल फ्रिक्शन के वर्क डन जैसा है, सो नेगेटिव आएगा। पेंडुलम अगर बैकवर्ड आएगा तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड काम करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने की वजह से जो फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा। सो मेरे हिसाब से सारे स्टेटमेंट जो मैंने पढ़े आप एक बार तसल्ली से फिर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके लॉजिक को ये कह सकते हैं सेंटेंसेस को इमेज के फॉर्म में लाना, यही बुद्धिमान मस्तिष्क का खेल है। तो आप सारे सेंटेंसेस को एक बार रीरीड कर लीजिएगा, बी एंड ई पार्ट आर द करेक्ट, सो बी एंड ई आर द करेक्ट ऑप्शंस। राइट बेटा, आगे चलूं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा सवाल, सवाल 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 तीसरा सवाल कहता है बॉडी ऑफ मास 0.5 केजी ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। रुक जाइए, मैं सवाल पर आऊंगा लेकिन थोड़ा सा रुक कर आऊंगा, बताता हूं क्यों। सुनिए, पहले ये समझिए, चौथा सवाल, ये भी जेई का सवाल है। अच्छा, मैंने उस सवाल को क्यों रोका, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी की कॉन्सेप्ट है जो मैं समझा के आपको कराऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस एक्स, एक रबर बैंड को एक्स डिस्टेंस या एक्स लंबाई खींचा गया, और इसे खींचने के दौरान जो रबर बैंड में रिस्टोरिंग फोर्स लगा, जो रबर बैंड खुद को रिकवर करने के लिए फोर्स लगा रही है, वो वेरिएबल फोर्स है एफ बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। यहां ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच रबर बैंड बाई एल। ये बच्चों एक स्पष्ट सी बात है। सबसे पहले इसके सोल्यूशन में मैं कमेंट करना चाहूंगा, क्या कमेंट है, क्या कमेंट है सुनिएगा, कि एक सपोर्ट से बांधकर, एक सपोर्ट से बांधकर, चाहे स्प्रिंग हो या रबड़ बैंड हो, इसे खींचा जा रहा, यह भी अपनी रिकवरी फोर्स लगा रही है। इक्विलिब्रियम पर मान सकते हैं कि खिंचाव का फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एक जैसे हैं, राइट। ये जो फोर्स है इसकी जानकारी ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर दी गई, चूंकि फोर्स वेरिएबल है, सबसे पहली और सबसे प्यारी बात। और मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जब भी कभी आपको कोई भी क्वेश्चन में डेटा वेरिएबल दिखाई दे, वेरिएबल का मतलब, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे रबड़ बैंड और ज्यादा खींचेगा और ज्यादा खींचेगा और ज्यादा खींचेगा, एक्स लगातार बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो एफर्ट फोर्स बढ़ेगा। आपने भी नोटिस किया होगा कि रबड़ बैंड को शुरुआत में खींचना आसान है, स्प्रिंग को शुरुआत में खींचना आसान है, क्योंकि जब एक्स कम होगा तो रिकवरी फोर्स कम होगा। जैसे जैसे खिंचाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिकवरी फोर्स बढ़ता जाएगा, तो आपको शुरुआत में कम काम करना पड़ेगा, बाद में ज्यादा काम करना पड़ेगा। सो वर्क डन इज वेरिएबल। अब वापस काम पर आते हैं, तो जब भी कभी आपको वेरिएबल फोर्स के अंडर में वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो उसका सिंपल सा तरीका है, वेरिएबल चीजों के साथ कैलकुलेशन में कैलकुलस डील करती है, और कैलकुलस के दो हथियार हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो मैं चला बच्चों वर्क डन फाइंड आउट करने, और मैंने अभी अभी पढ़ा था, पहले पन्ने पर पढ़ा था कि जब भी कभी वेरिएबल फोर्सेज आएंगे तो हम इसे लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, राइट। चूंकि फोर्स इज वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ एक्स, चूंकि फोर्स की जानकारी एक्स के टर्म्स में, सो मैं डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। एक बात और, रबड़ बैंड को टोटल कितना खींचना है, लिखा गया है द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच रबड़ बैंड बाई लेंथ एल। तो रबड़ बैंड को शुरू से, मतलब जीरो लेंथ से लेकर आप एल लेंथ तक खींचने में किया गया काम बताइए। सो मैं चला कैलकुलेशन करने बच्चों, सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की जगह मैं लिखूंगा एफ डी एक्स। कहां से कहां तक, रबड़ बैंड को शुरू से एल लंबाई तक खींचिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ की जगह बच्चों, एफ का फंक्शन इट इज ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, डब्बा बंद डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल। ध्यान से देखें बच्चों, तो ए एक कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर उठा लो, ए बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन होगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, लिमिट जीरो से एल तक, प्लस फिर इसी प्रकार जब इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे तो बी चूंकि कांस्टेंट है इसको बाहर कर लो, बी कांस्टेंट है बी को बाहर कर लो, अब होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल। आगे बढ़ेंगे, ए बाहर है, एक्स की वन पावर का जब इंटीग्रेशन करोगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में
तो ए ए रहेगा बच्चों, एक्स की वन पावर का इंटीग्रेशन, वन में वन बढ़ेगा ऊपर भी टू, और जितना ऊपर उतना नीचे कॉपी करते हैं, सो नीचे भी टू, लिमिट जीरो से एल तक प्लस। इसी प्रकार बी जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लो, एक्स की टू पावर का इंटीग्रेशन करोगे, पावर एक बढ़ जाएगी, तो टू प्लस वन ऊपर भी थ्री नीचे भी थ्री, लिमिट लगा दीजिए फ्रॉम जीरो टू एल। बुद्धिमान बच्चों की तरह आराम से आंसर दीजिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू ए। बच्चों जहां तक बात रही लिमिट रखने की, तो पहले रखोगे अपर लिमिट तो आ जाएगा एल स्क्वायर बाई टू, फिर लगाओ माइनस, अब रखो जीरो तो आ जाएगा जीरो स्क्वायर बाई टू मीन्स जीरो, प्लस बी को बाहर कर लो, डब्बा बंद करो। अब इसमें रखो अपर लिमिट तो एल क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, शाबाश एल क्यूब बाई थ्री, माइनस अब रखो बच्चों लोअर लिमिट, सो जीरो क्यूब बाई थ्री मीन्स जीरो, इट इज इक्वल टू। बच्चों जीरोस का कोई इंपॉर्टेंस ना होने की वजह से द आंसर इज सिंपली ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल क्यूब बाई थ्री। एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल क्यूब बाई थ्री एंड द डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लीजिए बहुत इत्मीनान से बच्चों, बहुत प्यारा सवाल। मतलब अब मैं आपसे इतना भी कह सकता हूं बच्चों कि इस क्वेश्चन में फिजिक्स जैसा कुछ बहुत नहीं था, फिजिक्स केवल इतनी सी थी कि जब भी कभी आपके सामने वेरिएबल फोर्स आए तो आप वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल यानी इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वर्क डन को कैलकुलेट करें फ्रॉम एफ डी एक्स, मतलब फोर्स विद वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन, और स्मॉल वर्क डन को रेंज लगाकर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ऑल राइट बेटा, वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं, चले इतनी बातें आप और नोट करते चलिए, प्रॉपर नोट्स में रिकॉर्ड में होना चाहिए आपके पास ये सब, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं करा रहा हूँ अंडू झंडू टाइप का, और ना मैं कह रहा हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है, बट ये सीखने के लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। एक और सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल, उम्मीद करता हूँ ये आपसे हो जाना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है। जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बॉडी उस पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स एफ इज इक्वल टू 5i कैप 3j कैप 2k कैप, फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया है, वो किसी पार्टिकल पर लगाया गया है और पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देता है ओरिजिन से किसी पॉइंट तक, जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, तो बताइए वर्क डन। बहुत सिंपल सी बात है, सवाल कुछ ऐसा है, वो कहता है कि ये रहा मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पर ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0 0, सब जीरो, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर ही 0 0 0 है भाई। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम उसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, तो ओरिजिन में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स 0 हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर 0 है। कहता है इतना एफर्ट लगा के एक पार्टिकल को ओरिजिन से कितना किसका दिया गया आर, पार्टिकल को यहां तक ले गए, इतना किसका दिया, इतना मतलब कितना किसका दिया, इस पोजीशन वेक्टर का नाम भी दिया है 2i कैप माइनस j कैप। अब दिमाग क्या लगाना है, राइट, अ पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ओरिजिन टू द पॉइंट दिस वन, मीनिंग क्या है पहले समझिए, चूंकि मैं डिटेल समझाना चाहता हूं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनली पार्टिकल को डिस्प्लेस करके ले कहां गए आर तक, और इनिशियली चले कहां से थे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब सब 0 0 0, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली पोजीशन वेक्टर के बराबर है, और पोजीशन वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस j कैप। ये लाइन समझाना व्यर्थ नहीं है, ओरिजिन से किसी पोजीशन तक शिफ्ट करने का मतलब पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन दिया है, तो फाइनल इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है वो डिस्प्लेसमेंट देगा जो मेरे वर्क डन के काम आएगा। साथ ही साथ ये भाई ये भी बताया गया है कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में जो एफर्ट लगा, जो फोर्स लगा, उस फोर्स की वेक्टर इन्फॉर्मेशन दी गई है, दैट इज 5i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 2k कैप, राइट। सो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको समझना क्या है कि जब भी हमें फोर्स का वेक्टर फॉर्मेट दिया हो, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्मेट दिया हो और हमसे कहा जाए फाइंड आउट द वर्क डन, वर्क डन पता करिए, बहुत सिंपल तरीका बच्चों, वर्क डन के तमाम सारे फॉर्मेट में एक फॉर्मेट आपने देखा होगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। हम इसी आधार पर यह भी कहते हैं कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराने से जो स्केलर क्वांटिटी डेवलप होगी उसे वर्क डन कहा जाता है। सो फोर्स की जगह पर बच्चों फोर्स का वेक्टर उठाइए, इट इज 5i कैप
प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बोलिए बेटा, इट इज 2i कैप माइनस j कैप। बहुत सिंपल सा फंडा है कि वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों का डॉट करने। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट इज अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट। मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूं बच्चों, क्या कि जब आप डॉट करते हैं तो डॉट का तरीका क्या होता है, आई का डॉट आई के साथ, सिमिलरली जे का डॉट जे के साथ, और अगर के अवेलेबल होता तो के का डॉट के के साथ, बट चूंकि यहां के अवेलेबल नहीं है तो हम अपनी तसल्ली के लिए चाहें तो यहां पर, हम अपनी तसल्ली के लिए चाहें तो यहां पर 0k कैप भी लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब डॉट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट की टेक्निक है, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट वन आता है तो आई का आई के साथ करोगे, ये यूनिट वेक्टर ये आई आई का डॉट वन हो जाएगा, यानी ये डॉट प्रोडक्ट काउंटेबल है। डिससिमिलर का डॉट जीरो होता है, इसलिए हम डिससिमिलर का डॉट करते ही नहीं है। डिससिमिलर सिमिलर मतलब आई का डॉट आई से काउंट होगा, जे का डॉट जे से काउंट होगा और के का डॉट के से काउंट हो जाएगा, बाकी सब डिससिमिलर है, जैसे आई का जे से जीरो, जे का के से जीरो, सब जीरो हो जाएंगे। सो मैं चला वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दिमाग लगाइए फटाफट से। वर्क डन बराबर आई का आई से डॉट करोगे तो पहले नंबर करो 5 × 2 = 10 और आई डॉट आई बराबर 1 ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब जे का जे से तो 3 × -1 इज -3 और जे डॉट जे इज 1 प्लस 2 का 0 से मल्टीप्लिकेशन ही 0 हो गया, सो लास्ट वन इज 0। अब लास्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, सो 10 × 1 = 10 इट्स सिंपली 10 एंड प्लस माइनस इज -3, 10 में 3 चले गए 7 जूल, सो सिंपल। 7 जूल के पॉजिटिव वर्क डन का स्पष्ट मत देखिए, इन्होंने कब की बार प्रॉपर साइन के साथ दिया -7 + 7, सो +7 इज ऑप्शन। इफ somebody asks me what इज द मीनिंग ऑफ +7, सो आई एलेबोरेट, मैं कहूंगा कि 7 जूल के पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है कि सिस्टम में अगर सच में ऐसा कोई काम हुआ है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, वो 7 जूल बढ़ जाएगी, राइट? कोई समस्या बच्चों? आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा, आगे आ जाइए। अब ये सारे क्वेश्चन बच्चों लास्ट वाले हैं, देखता हूं मैं कोई अगर अच्छा होगा। ओके, अब सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे, बट अब इससे पहले एक छोटी सी जरूरी बात मैं आपको समझा दूं, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन थे जिनको इनिशिएट करने से पहले आपको पढ़ाना था। अब आते हैं, अब इस चित्र के माध्यम से, हालांकि ये एग्जांपल मैंने क्लास में भी डिस्कस करा है बहुत अच्छे से मुझे याद है, बट बावजूद मैं इसके आपको दिखाता हूं। जैसे इसमें हेडिंग या टाइटल क्या पढ़ा है कि मल्टीपल फोर्सेस एंड देयर वर्क डन, तो एक लाइन आपको दिमाग पर रखनी है कि चित्र में जितने फोर्स दिख रहे हैं, किसी फिगर में आपको जितने फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं सभी के वर्क डन काउंट होंगे, सभी के वर्क डन कैलकुलेटेबल हैं, सबके वर्क डन कैलकुलेट हो सकते हैं। जनरली अगर एफ एक कांस्टेंट फोर्स की तरह दिखाया गया, सो वर्क डन के लिए आप बार बार एक ही फार्मूला लगाइए, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। मेरी बात समझे? मतलब जितने फोर्स उतने वर्क डन। इस चित्र में दिखाया क्या गया, बस मैं आपको रिकॉल कराता हूं, समझिएगा इस डायग्राम को क्रम से समझिएगा। सबसे पहले जहां जहां पेन चले वहां वहां समझते चलना। सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है, कितने किलो का बच्चों, 2kg का, राइट? अच्छा, 2kg के ब्लॉक में 2g का प्रेसिंग एक्शन, 2g मतलब सरल शब्दों में 20 का प्रेसिंग एक्शन, और जितने का प्रेसिंग एक्शन उतने की नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, क्यों ऐसा किया? क्योंकि अगर हमें किसी बॉडी का जमीन से कॉन्टेक्ट दिख जाए और जमीन में खुरदरापन हो, जैसे इसके रफनेस कॉफिशियंट की वैल्यू म्यू को मैं 0.1 मान लेता हूं इस सवाल के हिसाब से, तो जैसे ही इस 2kg की बॉडी को 10 न्यूटन का एफर्ट आगे चलाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन तुरंत एक्टिव होगा और बॉडी को चलने से रोकेगा। फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चों को याद आ गया, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है एफ एस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, म्यू कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.1, एन नॉर्मल रिएक्शन दैट इज 20। वो देखिए, तो जब 0.1 कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग एक्शन 20 से गुणा करोगे तो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन आ जाएगा।
मतलब ये कि 10 न्यूटन का एफर्ट चला रहा है और 2 न्यूटन का फ्रिक्शन पूरी जान लगाकर बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब बावजूद इसके चूंकि 10 न्यूटन शक्तिशाली है, वो 2 न्यूटन के फ्रिक्शन को हरा देगा और नेट फोर्स 10-2=8 से बॉडी को डिस्प्लेस करने में सक्षम होगा। कितना डिस्प्लेस कर लेगा? 10 मीटर डिस्प्लेस कर लेगा, बॉडी को यहां से यहां ले जाएगा। एक बात मैं आपको और बता सकता हूं बच्चों दावे के साथ, अगर किसी बॉडी पर मान लीजिए लेट अस सपोज 10 में से 2 हटा दिया, तो 10 में 2 हटाया तो ये आ गया 8 न्यूटन। और किसी भी बॉडी पर अगर कोई नेट फोर्स एग्जिस्ट कर जाए, किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स एग्जिस्ट करे तो 100% बॉडी एक्सेलेट होगी। एक्सेलेट होगी इस बात का मतलब बॉडी स्पीड पकड़ लेगी। स्पीड पकड़ने का मतलब बॉडी में काइनेटिक एनर्जी का आविर्भाव होगा। अब दिमाग लगाइए, काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन आ गया, इसीलिए मैं इस प्रकार की प्रॉब्लम को रोक रहा था। अब जरा दिमाग लगाना क्या है, सारी बातें समझिएगा, समझदार बच्चों की तरह। बॉडी बोलते जाइएगा मन में, बॉडी पर ड्राइविंग एफर्ट कितने का बेटा? 10 न्यूटन का। बॉडी को चलने से रोक कौन रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शन 2 न्यूटन। बॉडी पर प्रेसिंग एक्शन कितने का? 20 का। बॉडी का वेट कितना? 20 न्यूटन। बॉडी पर प्रेसिंग एक्शन 20 न्यूटन का, बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन का। तो कुल मिलाकर इस बॉडी के यहां से यहां तक के मूवमेंट में 4 फोर्सेस ने एक साथ काम किया, 10 न्यूटन फॉरवर्ड, 2 न्यूटन बैकवर्ड, 20 डाउनवर्ड एंड 20 अपवर्ड। मैंने आपसे लिखा जितने फोर्स आपको दिखाई दे आप सबके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैं चला, मैंने पेन उठाया और मैं इस कॉलम को छोड़ रहा हूं, हालांकि इसमें लिखा क्या मैं समझा सकता हूं। इसमें लिखा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्क डन बाय वेट। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कैलकुलेट करने में 4 प्रकार के वर्क डन आएंगे। 10 न्यूटन फॉरवर्ड वाले का वर्क डन, राइट, देन आफ्टर फ्रिक्शन का वर्क डन, देन आफ्टर प्रेसिंग एक्शन लोड का वर्क डन, एमजी का वर्क डन, देन आफ्टर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू, दिमाग लगाइएगा, क्रम से चलिए, 10 न्यूटन का एफर्ट फॉरवर्ड, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। मैं आपसे बता दूं, चाहे 10 न्यूटन हो, चाहे 20 न्यूटन हो, चाहे 20 न्यूटन हो, चाहे 2 न्यूटन हो, है सारे फोर्स कांस्टेंट। और जब भी कभी आपको कांस्टेंट फोर्स के अंतर्गत वर्क डन पता करना हो तो सिंपलेस्ट फार्मूला W बराबर FD cos थीटा ही आप फॉलो करेंगे, W बराबर FD cos थीटा। तो चलिए W बराबर FD cos थीटा से करते हैं। F कितना? 10। D कितना? 10। दोनों एक दूसरे के पैरेलल, सो थीटा 0 cos 0 1 से आ जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0 प्लस फ्रिक्शन 2 न्यूटन, फ्रिक्शन का फोर्स 2 न्यूटन, बट ये फोर्स लगता रहा बॉडी 10 मीटर, मतलब अंडर फ्रिक्शन, अंडर 2 न्यूटन फ्रिक्शन बॉडी 10 मीटर सरक गई। सो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, cos 180 इज -1 प्लस। अब आता है वजन, तो वजन है 20 न्यूटन, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, बट वेट ऑफ बॉडी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एक दूसरे के राइट एंगल है, सो cos 90। नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग एक्शन 20 के बराबर, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सो cos 90। cos 90, अब cos 90 की वजह से ये दोनों एफर्ट्स जीरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे सुनिएगा, प्रेसिंग एक्शन और नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के ठीक परपेंडिकुलर है, मतलब बॉडी का मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर और ये दोनों एफर्ट्स वर्टिकल है, तो इन्होंने चाहते हुए भी कोई काम नहीं किया, इसीलिए दोनों का वर्क डन जीरो आ रहा। ये दोनों लग तो रहे हैं बट कोई काम नहीं कर रहे हैं, काम दो लोग कर रहे हैं, कोई है जो चला रहा है और कोई है जो उसी लाइन पर चलने से रोक रहा है। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, बच्चों प्लीज डोंट रीड इट एज वॉल, इट इज वर्क डन बाय ऑल। सो 10^100 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस माइनस एज माइनस, 10 दूनी 20, 100 में से 20 निकल गए, सो 80 जूल का नेट वर्क डन आया। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, लाइन से रहिएगा बेटा, लाइन पे बस बने रहिएगा। ये कैलकुलेट भी किया है, छोटे छोटे लेटर्स में लिखा भी हुआ है, आप आराम से देखें, तो चाहे देख सकते हैं सब कुछ। सो किसी 2 kg की बॉडी को अगर 10 न्यूटन का एफर्ट लगाकर 2 न्यूटन के फ्रिक्शन के अगेंस्ट खींचा जाए तो बॉडी पर जो टोटल वर्क डन आ जाएगा वो 80 जूल आ जाएगा। ठीक है भाई, मैं समझ गया, इतनी बात मैंने भी एक्सेप्ट कर ली। एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो हम उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इस लेक्चर को मिस मत करिएगा किसी भी स्थिति में। वो ये है कि जब भी कभी किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस काम करें और काम करके फाइनली बॉडी पर कोई नेट वर्क डन आ जाए, आप समझ जाइएगा नेट वर्क डन का जो रिस्पांस है, जैसे 80 जूल पॉजिटिव वर्क डन आ गया, कंफर्म है इस बॉडी की रफ्तार में 80 जूल की या बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में 80 जूल की बढ़त हो गई होगी। मैं कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं, आइए दिखाता हूं, बस यही प्रूफ करना है मुझे। तो वर्क डन बाई ऑल, इसको आप आराम से चाहें तो स्क्रीन शॉट के फॉर्म में रख भी सकते हैं, इसका आप स्क्रीन शॉट आराम से ले लीजिएगा। राइट, अब आगे चलता हूं, दिखाता हूं एक फोटो और दिखाता हूं। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखिएगा, बॉडी मास 2 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, प्रेसिंग एक्शन 2g यानी 20 का प्रेसिंग एक्शन, 20 की नॉर्मल रिएक्शन, पूरा पुराना क्वेश्चन चल रहा है। बॉडी के मोशन की टेंडेंसी फॉरवर्ड 10 न्यूटन की मदद से, फ्रिक्शन की मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू म्यू मल्टीप्लाई बाय एन से, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, नॉर्मल रिएक्शन 20, 0 खत्म, 0.5 खत्म, फ्रिक्शन 2 न्यूटन है। ये जो फोटो है, मैं आपको जानकारी के लिए एक बात और बता दूं बच्चों, कि ये दरअसल बॉडी का इनिशियल फोटो है, मैं लिखे दे रहा हूं। इतना भी मैं आपसे कह सकता हूं कि बॉडी के इनिशियल फोटो होने के साथ साथ इनिशियली बॉडी रेस्ट पर है, और रेस्ट का मतलब इनिशियली बॉडी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अब क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं, तो अगर आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम फार्मूला 1/2 mu² हाफ हाफ है, मास 2 kg है, बट क्योंकि इनिशियली बॉडी ने अपनी यात्रा रेस्ट से शुरू करी है, यू जीरो है, सो यू जीरो मतलब 0 का स्क्वायर, एंड 0 स्क्वायर इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, मतलब कुल मिलाकर ये बॉडी जब शुरुआत में देखी गई तो इस पर एफर्ट्स लग रहे थे, बॉडी चलने वाली थी, बट शुरुआत में इसके पास शुरुआत से कोई वेलोसिटी नहीं है, सो इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 1/2 mu² काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। इतनी बात आसान है, सिंपल एक नया फार्मूला इस्तेमाल किया, आपको आता होगा काइनेटिक एनर्जी। अब मजे की बात यह है कि अब इस बॉडी ने चलना शुरू किया, जनाब खेल देखिए कितना शानदार है, अब इस बॉडी ने चलना शुरू किया। अच्छा, चलते चलते बॉडी मान लीजिए यहां कहीं तक पहुंची, यहां तक पहुंचते पहुंचते आई एम श्योर इसने कोई ना कोई रफ्तार पकड़ी होगी, बॉडी 2 ही किलो का है। हम चाहते हैं कि जब ये बॉडी यहां से यहां तक सरक गया, यहां से यहां तक सरक गया मतलब कितना सरक गया, जरा देखो बच्चे का शरीर तो 10 मीटर सरक गया पिछले वाले सवाल के हिसाब से, तब जरा इसका फिर से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया जाए। सो काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू मैं निकालूंगा फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी फार्मूला 1/2 mv². बच्चों ध्यान से देखने वाली बात है, हाफ हाफ है, मास 2 kg, देख लीजिए फाइनल वेलोसिटी अगर मिल जाए तो बॉडी के इनिशियली रेस्ट में होने की वजह से इनिशियल काइनेटिक तो 0 है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 न्यूटन का नेट फोर्स 2 न्यूटन के फ्रिक्शन से ज्यादा है, बॉडी पर नेट फोर्स रहा है, बॉडी एक्सेलरेट हुई है, बॉडी ने रफ्तार पकड़ी, तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी। तो मैं चला सम कैलकुलेशंस फ्रॉम FBD, FBD ऑफ 2 kg, खेल देखिए क्या क्या आगे कितना, अच्छा बॉडी पर आगे फोर्स 10 है, पीछे फोर्स 2 है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि बॉडी पर नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, फोर्स कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ बच रहा है, सो हम लगा देंगे FNET इज इक्वल टू MA। FNET का मतलब 10 आगे की तरफ 2 पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स आ गया 10 - 2 बराबर MA, M मतलब बॉडी का मास है, A मतलब एक्सेलरेशन है, 10 में से 2 गए 8 बराबर 2 × A, 2×1=8, सो आंसर A बराबर 4 m/s², मतलब 10 न्यूटन ने 2 को हराया, बॉडी पर नेट फोर्स बचा 8, और 8 के फोर्स से अगर कोई 2 किलो की बॉडी एक्सेलेट होगी तो फार्मूला F = ma से 2×8 एक्सेलेशन 4। अब 4 के एक्सेलेशन से बॉडी ने चलना शुरू किया, 4 के एक्सेलेशन से बॉडी ने चलना शुरू कर दिया।
अब ये कितनी देर तक एक्सेलरेट होगी वो टाइम तो नहीं दिया, बट कितनी दूर तक एक्सेलरेट होते हुए ये पता चल गया। 10 मीटर की डिस्टेंस तक लगातार चार का एक्सेलरेशन दर 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 बना रहा। एक काम करते हैं हम इसकी यहां पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाले? अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हम काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, मैं लगा सकता हूं थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर बराबर, शुरुआत उसने जीरो से करी थी, रेस्ट से चलना शुरू किया था, सो जीरो स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 2 की जगह 2, एक्सेलेरेशन की जगह पर बॉडी पर 4 है और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 10 मीटर। सो ध्यान से देखोगे तो बच्चों यहां से आ जाएगा v स्क्वायर बराबर जीरो स्क्वायर का कोई महत्व तो नहीं, दो चौको 8 धाम 80 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब राइट, तो बच्चों इनिशियली हमने बॉडी की वेलोसिटी जीरो होने पर जब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आया, हमें दिखा बॉडी पर नेट फोर्स है। ऐसा तो नहीं बॉडी एक्सेलेरेट होकर 10 मीटर चलने के दौरान कुछ स्पीड पकड़ ले। तो थर्ड इक्वेशन लगाई, हमें पता चला कि बॉडी की स्पीड आ गई 80। अब बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ हाफ है, एम मास 2 है और वी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहो तो 80 है। क्या फायदा, पहले रूट निकालो फिर स्क्वायर करो, तो वी स्क्वायर डायरेक्ट 80 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर 80 आता हुआ। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 80 जूल। अब ये पिछला सवाल है, उसकी मदद से मैं आपको ये दिखा सकता हूं क्या कि आपने जो पिछली बार वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस निकाला था वो 80 जूल आया था और अब की बार जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी 80 है। ध्यान रखिएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शून्य आई थी, तो मैं काम कर सकता हूं अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेक करूं तो चेंज शब्द का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 80 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में होने की वजह से 0 एंड 80 माइनस 0 इज इक्वल टू 80 जूल। और पीछे अभी पन्ना पलट के आपको दिखा दूं, इसी क्वेश्चन सेम डेटा में वर्क डन कितना आया था 80 जूल। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस वाज आल्सो 80 जूल। यहां से सिद्ध क्या होता है, इन दो अलग अलग जानकारियों से सिद्ध होता है कि किसी भी बॉडी पर जब कुल मिलाकर कई फोर्स काम करें और सबका नेट वर्क डन निकाले, मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस निकाले, तो वो वर्क डन जितना आएगा उतना ही बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। और इसे हम आने वाले भविष्य में बहुत ही जल्दी इस लेक्चर या इसके बाद वाले लेक्चर में या तो ऑफलाइन लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानेंगे। सो एक स्टेटमेंट बन गया कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, फोकस करें बेटा, वैसे स्टेटमेंट का स्वरूप दे सकता हूं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय All forces is equal to change in kinetic energy. किसी के मन में कोई डाउट बेटा? तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा है, कहने का तात्पर्य बस इतना सा है बच्चों कि जब भी किसी प्रोसेस के दरमियान, जब भी किसी प्रोसेस के दरमियान किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस काम करें और आपको लगे कि हाँ बॉडी पर नेट फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेट हुई है, समझ जाइएगा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में एनहेंसमेंट होगा। तो हमने बस इतना प्रूफ करके दिखाया कि कई सारे फोर्सेस, देखिए अब ये एक डिटेल चर्चा थी, इसमें कई छोटे छोटे टुकड़ों में कई काम निकाले। पिछले वाले पन्ने पर आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पर कई सारे फोर्सेस देखे, 1, 2, 3, 4, फिर सबका बारी बारी से काम कैलकुलेट किया, सबका सम किया साइन के साथ प्लस माइनस के साथ, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आ गया। फिर इसके बाद बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करी, इनिशियल भी फाइनल भी, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला और अंततोगत्वा लास्ट में जाकर ये पता चला कि जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का रिजल्ट है, जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का रिजल्ट है वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। भविष्य में इसे वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जाना जाएगा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था इसलिए मैंने इसको होल्ड कर रखा था, इसकी आगे की बात समझिए, पर इसको तसल्ली के साथ नोट कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये पोर्शन बिल्कुल सबके लिए नया है, सो प्लीज इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये देखिए सब वही कैलकुलेशन करके दिखाया, आप चाहेंगे तो मैं स्लाइड शेयर भी कर दूंगा। ये इसमें कैलकुलेट किया गया है कि नेट फोर्स कैलकुलेट करो, एक्सेलेरेशन निकालो, थर्ड इक्वेशन लगाओ, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनली द आंसर कम्स आउट कि जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और यही वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जाना जाता है। राइट,
देन इसके बाद बच्चों क्लास में जरूर डिस्कस किया होगा, एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं, मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? तो सुनिएगा बहुत ध्यान से बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी वैसे तो एनर्जी के अनंत स्वरूप है, एनर्जी की इनफाइनाइट वैरायटी है, बट हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग जो अभी फिलहाल तुरंत सीखने और पढ़ने वाली एनर्जी है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। एक्चुअली असल में मैकेनिकल एनर्जी के दो मुख्य पार्ट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो जब कोई ऑब्जेक्ट दौड़ भाग करे, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रखे रखे मोशन में दिखाई दे, तो ऐसी परिस्थिति पर हम काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। और जब कभी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन में चेंजेस आए या ऑब्जेक्ट की बनावट में परिवर्तन आए, तो ऐसी परिस्थिति पर हम पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी दो प्रकार की विशेष तौर पर डिस्कस होती है, कौन कौन सी? अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट, मैं तो ऐसे कह सकता हूँ, अगर वी वेलोसिटी के साथ आपको दौड़ता भागता नजर आए, तो आप समझ जाइएगा बॉडी के पास मास है, वेलोसिटी है, मतलब बॉडी के पास मोमेंटम है, और मोमेंटम के साथ भाग रही बॉडी के पास ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसका फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। सो एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी के साथ ट्रांसलेट करती हुई भागती हुई नजर आए, तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर कोई पंखे जैसा ऑब्जेक्ट, अगर कोई पंखे जैसा ऑब्जेक्ट अगर आपको कोई पंखे जैसा ऑब्जेक्ट रोटेट करता हुआ दिखाई दे, तो जिस प्रकार मास वाली बॉडी पर होता है इनर्शिया और चलने की वजह से होती है लीनियर वेलोसिटी, उसी प्रकार मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बॉडी के पास होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और घूमने की वजह से होती है एंगुलर वेलोसिटी। बारी बारी से रिलेट करें तो मास वाली के पास इनर्शिया, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रांसलेट होने की वजह से ट्रांसलेटरी या लीनियर वेलोसिटी, तो रोटेट होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इज इट सिंपल? आसान है। अगले पॉइंट पर आते हैं, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है। पोटेंशियल एनर्जी की दो कैटेगरी करी गई है, किसी ऑब्जेक्ट की विशेष पोजीशन विशेष हाइट की वजह से होती है उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंपल फार्मूला mgh, जहां m बॉडी का मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और h बॉडी की रेफरेंस लेवल से हाइट है। और इसी प्रकार स्प्रिंग जैसे सिस्टम को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, खींच दिया जाए, ये मैंने आपको फ्रिक्शन NLM में भी बताया है कि अगर स्प्रिंग जैसे सिस्टम को खींच दिया जाए, तो खींचने में हम जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा काम रबड़ बैंड या स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो इन शॉर्ट मैकेनिकल एनर्जी के दो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दौड़ भाग, चलना फिरना, मूवमेंट, तो काइनेटिक एनर्जी, स्पेशल पोजीशन, टेढ़ा मेढ़ा, बनावट में परिवर्तन, तो पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक के दो बच्चे हैं ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दौड़ भाग करते सॉरी अगर किसी बॉडी को किसी हाइट पर रखा गया, तो एम मास की बॉडी को, मैं इसको फोटो से दिखा सकता हूं कि अगर जमीन से किसी ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड लेवल से h बराबर जीरो के लेवल से किसी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट पर टिका दिया जाए, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम पर g काम कर रहा हो, तो इस बॉडी की हाइट की वजह से इसमें एक एनर्जी स्टोर है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप इस बॉडी के नीचे बैठ के देखिए, जब आपके सर पर गिरेगी तो चोट करेगी विद काइनेटिक एनर्जी। तो बॉडी जब सर पर चोट करे, तो उससे पूछेगा कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, तो बॉडी कहेगी मेरे पास मेरी हाइट की वजह से स्टोर थी पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके सर से टकराते वक्त कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसी प्रकार अगर स्प्रिंग जैसे सिस्टम की बात करें, तो स्प्रिंग वैसे सिस्टम को हर स्प्रिंग की टाइटनेस का एक कांस्टेंट होता है, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट के कहते हैं। और अगर स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लंबाई से एक्स खींच दिया जाए, कितना खींच दिया जाए बेटा एक्स, तो अगर किसी स्प्रिंग को जिसका स्प्रिंग टाइटनेस कांस्टेंट के है, उसे उसकी नेचुरल लंबाई से एक्स खींचा जाए, तो ऐसा करने से स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका सामान्य सा फार्मूला है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, राइट? तो ये एनर्जी के बच्चों वो बेसिक फॉर्मेट है जो आपको याद रखने पड़े, मतलब मैं अचानक से आपसे पूछूं तो आपको याद रहना चाहिए क्या? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये दौड़ भाग की वजह से होगी, ये मास और वेलोसिटी की वजह से होगी। रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी कम आएगी, रोटेशन में ज्यादा आएगी, अभी कम आएगी। रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। किसी बॉडी की हाइट अगर दे दी जाए, किसी बॉडी को जमीन से कुछ लेवल तक उठा दिया जाए, तो उसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। किसी स्प्रिंग को अगर उसके नेचुरल लेंथ से x खींच दिया जाए, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ ऑफ kx स्क्वायर। ऑलराइट, बहुत बढ़िया।
अगली बात पर चलते हैं। ये कुछ फोटोज मैंने बना के दिखाए आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें केवल ये दिखाया गया है, क्या दिखाया गया सुनिएगा बच्चों, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बहुत छोटा सा फिगर है। ये बताना क्या चाहता है कि अगर एम मास के ऑब्जेक्ट को जमीन से एच हाइट उठाकर यहाँ कहीं प्लेस किया जाए तो इसके पास इस वक्त जो एनर्जी स्टोर है उसका नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसका सामान्य फार्मूला एम जी एच है, एम बॉडी का मास है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एच बॉडी की जमीन से हाइट। इसी प्रकार अगर स्प्रिंग की टाइटनेस का कांस्टेंट के है और स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लंबाई से खींच कर एक्स लंबाई बढ़ा दी गई है तो ऐसा करने से जो हमारा डिस्टॉर्टेड स्प्रिंग होगा, जो खिंचा हुआ स्प्रिंग होगा, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी और ऐसी एनर्जी का नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंपल फार्मूला है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट, देन कम टू द लास्ट टॉपिक एंड लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे। ये बताना क्या है इसमें, इसमें एक बात मुझे बतानी है, मैं आपको बता देता हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं क्लास में एक बार फिर रिवाइज करा दूंगा, बट सुनिएगा बहुत अच्छे से। हमारी सराउंडिंग में, हमारे नेचर में दो प्रकार के फील्ड, हमारे नेचर में दो प्रकार के फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जहां देखोगे आपको फोर्स तो दिख ही जाएगा। आपने सिंपली हाथ में कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा और ड्रॉप कर दिया, वो ऑटोमेटिकली नीचे चला गया, मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है। आपने अपने हाथ को कस के टेढ़ा किया, इसके बाद छोड़ दिया, हाथ वापस से सीधा हो गया, ये मस्कुलर इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक फोर्सेस का इफेक्ट है। आपके चलते चलते चप्पल जूते घिस गए, ये फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट है। राइट, तो कहने का तात्पर्य है बेटा कि हमारे सराउंडिंग में बहुत वैरायटी के फोर्स है। कोई धागा टाइट है उसमें टेंशन फोर्स है, स्प्रिंग खिंचा है, रबड़ बैंड खिंचा, उसमें इलास्टिक फोर्सेस हैं। तो हमारे सराउंडिंग में बहुत प्रकार के फोर्सेस हैं। अगर हम फोर्स को कैटेगराइज करें इस आधार पर कि कौन कौन से फोर्स फील्ड ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, और कौन कौन से डिसऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट का यहां मतलब यह है, कुछ फोर्स ऐसे होंगे, कुछ फील्ड्स ऐसे होंगे जिनमें आपके द्वारा, एजेंट के द्वारा जो भी मेहनत, जो भी काम किया जाएगा वो काम उसमें कंजर्व हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएगा, बैंक इंश्योरेंस की तरह स्टोर हो जाएगा। बट कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जो आपके काम का परमानेंट लॉस करा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी रबड़ बैंड या स्प्रिंग को खींचा जाए तो आपने एफर्ट किया, दोनों हाथ से ताकत लगाई, इसे डिस्प्लेस भी किया, खींचा, यकीनन आपने काम किया और आपके द्वारा किया गया काम इस स्प्रिंग में स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यकीन मानिए आप इसको जब चाहें रीयूज कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मुझे इसी खींचे हुए स्प्रिंग की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करके हिट करना है, जैसे गुलेल को हिट करना, जैसे स्प्रिंग की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को हिट करना, तो मैंने इस स्प्रिंग को जैसे यहां से छोड़ा ये खट से जाएगा, ऑब्जेक्ट को टक से टक्कर मारेगा और वो ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ भाग जाएगा। भागते ऑब्जेक्ट से पूछना कि तेरे पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, तो कहेगा सर स्प्रिंग के पास स्टोर थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो टकराते वक्त कन्वर्ट हो गई इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमने स्प्रिंग को खींचकर उसमें जो एनर्जी स्टोर करी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करने में सक्षम है। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, कंजर्वेटिव, ईमानदार, कंजूस, इकट्ठा करने वाला, इंश्योरेंस करने वाला। राइट, अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव की। अगर हम अपने दोनों हाथों को कस के मसले, ठंडियों में अक्सर हम ऐसा नेचुरल करते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें पर्याप्त फिजिक्स सिखाकर भेजी, तो अगर अपने दोनों हाथों को मसलें और मसलते रहें तो हमें नोटिस करेंगे कि हमें अपने दोनों हाथों को रगड़ने में मेहनत लग रही है। स्लो मोशन में सोचोगे तो काम करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों हथेलियों के बीच जो रगड़ है, जो फ्रिक्शन है, हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट लगातार काम करते जा रहे हैं और फ्रिक्शन के अगेंस्ट किए गए काम की वजह से मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे, मतलब तुरंत मेरे द्वारा किया गया काम किसी नए फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, वो हीट आप यूज नहीं करोगे तो लॉस हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो काम किया वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गया, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आपको मिला होगा कि रबड़ बैंड को खींचने में जो किया गया काम है वो रबड़ बैंड में स्टोर हो सकता है। सो रबड़ बैंड चूंकि स्टोर करने में, इकट्ठे करने में, कलेक्शन करने में सक्षम है, सो रबड़ बैंड या स्प्रिंग एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। राइट, हम दो मैग्नेट के सेम पोल को, नॉर्थ पोल, जबकि हम जानते हैं कि मैग्नेट में सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, तो दो मैग्नेट के अगर हम सेम पोल्स को एक दूसरे के करीब जबरन ले जाएं तो पहली बात तो हम बड़ी मुश्किल से ले जा पाएंगे और ले जाने के बाद जैसे छोड़ोगे तो खट से भागेंगे। तो ले जाते वक्त हमने किया काम और हमारा काम इस सिस्टम में स्टोर होता जा रहा इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो ही छोड़ोगे, मैंने एक फर्जी टर्म बोला है जबकि मैग्नेट में पोटेंशियल एनर्जी ऐसे टर्म की बात नहीं होती,
तो मैग्नेट के सेम पोल्स को नजदीक ले जाने में हमने जो काम किया वो सारा का सारा काम इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, जो छोड़ते ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो काम अभी स्टोर हो गया है। तो जब भी कभी किसी फील्ड में किया गया काम अगर स्टोर हो जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस स्टाइलर को किसी हाइट पर ले जाऊं और इसे धागे की मदद से टांग दूं, तो हाइट अचीव करने की वजह से मेरे द्वारा किया गया काम, इसे इस हाइट तक ले जाने में पहुंचाने में मेरे द्वारा किया गया वर्क डन, इसमें स्टोर हो गया है इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो ही धागा काटोगे खट से गिरेगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये काइनेटिक एनर्जी इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई है। अब क्रम सोचिए, इसके पास लास्ट में आई काइनेटिक एनर्जी, जिसका रीजन है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का रीजन है मेरे द्वारा किया गया वर्क डन। तो कुछ फील्ड ऐसे होंगे जिनमें किया गया काम इकट्ठे हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कहलाएंगे। वो काम समय आने पर फिर से रीयूज किया जा सकता है। कुछ फ्रिक्शन जैसे फोर्स फील्ड होते हैं जिन्हें नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं, क्योंकि इनमें किया गया काम या फ्रिक्शन जैसे एयर रेजिस्टेंस जैसे विस्कस फोर्सेस जैसे लॉस विस्कस फोर्स जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट किया गया काम इकट्ठे नहीं होता, तुरंत खर्च हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, राइट। सो फील्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड एग्जिस्टिंग इन नेचर के आधार पर दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? कुछ ऐसे फोर्स फील्ड हैं जिन्हें कंजर्वेटिव का नाम दिया गया, कुछ ऐसे जिनको नॉन कंजर्वेटिव का नाम दिया गया। पहले नॉन कंजर्वेटिव सुन लो, आसान है, याद हो जाएगा। फ्रिक्शन जो चलने में विरोध करता है, नॉन कंजर्वेटिव। विस्कोसिटी जो पानी के बहने में अपोज करती है, नॉन कंजर्वेटिव। ड्रैग फोर्स जो पेंडुलम वगैरह के ऑसिलेट होते वक्त उसके मोशन का अपोज करता है, वो भी नॉन कंजर्वेटिव। तो फ्रिक्शन और फ्रिक्शन परिवार जैसे जितने भी लोग चलने में बाधक हैं, रगड़ करने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, वो सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, राइट। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में सुनिएगा, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया एक अलग चीज है, स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन कंजर्वेटिव, मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव, एक्शन रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन कंजर्वेटिव, धागे का टेंशन कंजर्वेटिव। इनको सुन लीजिए, ज्यादातर जो आपके काम आएगा वो आएगा ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्रिंग। तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। उसका एग्जांपल ये कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर काम करके आप उसे एक हाइट दे देते हो, तो आपके द्वारा किया गया काम कहीं वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि इस ऑब्जेक्ट में इन्वेस्ट हो गया है इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को खींचने में आप जब भी काम करते हो, तो आपका काम वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि स्प्रिंग में इकट्ठे हो गया है इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी एजेंट द्वारा किया गया काम किसी सिस्टम में स्टोर होने में सक्षम हो, तो सब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में काउंट होगा। और जब किया गया काम फ्रिक्शन जैसी चीजों में, चप्पल जो घिस गई सो वापस नहीं आ सकती, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि फ्रिक्शन जैसे फोर्स फील्ड में किया गया काम कभी वापस नहीं मिलता, वो परमानेंट लॉस के फॉर्म में चला जाता है। एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो अब ये फिर मैं आपसे कहूंगा, इसे समझना बहुत आसान है, इसे समझ लीजिए, इसको काउंटर करके समझिएगा कैसे। जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब जिनकी कंजर्व करने की, इकट्ठा करने की आदत नहीं, जो तत्काल आया नुकसान कर दिया, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जैसे कि फ्रिक्शन जैसे फोर्सेस में पाथ डिपेंडेंसी होती है। मतलब आप अगर छोटा रास्ता लेकर चलोगे, चप्पल कम घिसेगी, फ्रिक्शन कम लगेगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कम काम करना पड़ेगा। लंबा रास्ता लेकर चलोगे, चप्पल ज्यादा घिसेगी, फ्रिक्शन के अगेंस्ट ज्यादा काम करना पड़ेगा। सो फ्रिक्शन फोर्स जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, वो एनर्जी को स्टोर नहीं बल्कि लॉस कराएगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंतर्गत किया गया काम पाथ पर डिपेंड करता है। इसका ठीक उल्टा, ग्रेविटी, इलास्टिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फोर्सेस जो कि कंजर्वेटिव हैं, जो अपने ऊपर किए गए काम या जिनके अंतर्गत किए गए काम स्टोर हो जाते हैं, जो इकट्ठे कर लेते हैं काम को, वो कंजर्वेटिव नेचर के कहलाते हैं। उनमें पाथ डिपेंडेंसी होती है, पाथ इंडिपेंडेंसी होती है। मतलब एम मास के ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जाओ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में आने वाला चेंज mgh ही होगा, चाहे ब्लॉक को यूं ले जाओ, चाहे ब्लॉक को यूं ले जाओ, चाहे ब्लॉक को यूं 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 ले जाओ। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने में किया गया काम अगर ग्रेविटी जैसे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंडर में है, तो ऐसा करने में आप पाथ कोई सा भी अपनाए, बट वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट सेम आएगा। डिटेल चर्चा करेंगे बट इसके बाद वाले लेक्चर में, चूंकि यहीं से कनेक्टेड है वर्क एनर्जी थ्योरम। सो बच्चों, रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आप पिछले जितने भी काम हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इस स्लाइड में जितना भी कंटेंट और रिमेनिंग है, मैं उसे प्रॉमिस पढ़ाऊंगा, बहुत मन से पढ़ाऊंगा। होप सो कल संडे को, अदरवाइज ऑफलाइन हम लोग मंडे मिलते हैं। लेक्चर को
प्लीज बिल्कुल सीरियस ऑफलाइन लेक्चर की तरह लीजिएगा, इसके रिकॉर्ड्स आपकी कॉपी पर अवेलेबल हो। आपके पास काफी सारा काम है, रक्षाबंधन का हॉलीडे वर्क भी है आपके पास, वो शीट भी लाइएगा चाहे जैसे, और ये सारा काम कंटेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। कंसिस्टेंसी के प्रति अगर मैं नियमित हूं तो ये आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें। स्वस्थ रहिए, मिलते हैं कल वाले लेक्चर पर। थैंक यू बच्चों।